मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे धन और प्रतिष्ठा सम्मान के प्रति। आज आर्थिक युग है, धन किसको नहीं चाहिए। कुंडली में जो छोटे मोटे त्रुटियां होती हैं या दोष होते हैं उनका निवारण करके जातक ने किस प्रकार धन और सम्मान के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की, क्या थे उनके ग्रह योग, उसके ऊपर विचार करेंगे। आपके भी ऐसे हो सकते हैं, आप अपनी कुंडली का अलगन कीजिए। धन के संबंधित, सम्मान से संबंधित कई योग होते हैं जो साधारण तौर पर कुंडली में नहीं दिखाई देते और छोटे मोटे अगर हम दोषों को दूर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं। दर्शकों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली का खाका है, 12 भाव है। इन 12 भावों में सभी के जीवन का सुख दुख का लेखा जोखा सब छिपा हुआ है। जरूरत है उसको थोड़ा सा समझने की। ये लग्न का भाव है, लग्न का भाव जातक का स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, जातक स्वयं है। द्वितीय भाव धन और वाणी और कुटुंब का और दानी आग का है। तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय और जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य और धर्म भाव है, दसम भाव सम्मान प्राप्ति का भाव है, पिता का सुख का भाव है, व्यवसाय में सम्मान प्राप्ति आपसे कोई भी व्यवसाय करते हो, एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, विदेश का भी भाव है, दंड का भी भाव है और जीवन साथी के साथ सेवा सुख का भाव है। ये साधारण तौर पर हमेशा बताता हूं कि मेरे जो जातक मेरे वीडियो पर चैनल पर जुड़ते हैं उनको सबको इनका थोड़ा सा मालूम होना चाहिए ताकि वो फिर वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज जो धन और प्रतिष्ठा देने वाले योग हैं वो दो तीन योग हैं। दो तीन योग क्या, मुख्य रूप से तो दो ही योग हैं, लग्नेश और धनेश का स्थान परिवर्तन योग। लग्नेश और धनेश का आपस में स्थान परिवर्तन योग बोलो या राशि परिवर्तन बोलो, बात एक ही है। लग्नेश का यहां होना और द्वितीय भाव का स्वामी लग्नेश में होना ये अति उत्तम प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने वाला योग है। दूसरा है एकादश भाव, आमदनी तो चाहिए ना। एकादश भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो, एकादश भाव का स्वामी कई भावों में होता है, वो अनंत प्रकार से उनका सहयोग देता है आमदनी के लिए। लेकिन जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो कुंडली में बताने जा रहे हैं कि एकादश भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो, इस सप्तम भाव में हो तो वह क्या प्रभाव देगा, वो भी आज हम दो के बारे में ही बताएंगे। एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा हो या एकादश भाव का स्वामी सूर्य हो, सप्तम भाव में प्रभाव बाकी दोनों का सेम ही होगा लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। वो क्या फर्क होगा दर्शकों, जिसकी शादी हो गई है उसने ये महसूस किया होगा कभी कभी कि उसको ससुराल में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, वो हम यहां से भी जान सकते हैं कौन पर करता है। वो अगर आपका एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव में है तो आप ये समझ लो आपकी सास आपको बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान देती है। और एकादश भाव का स्वामी जहां पर सूर्य सप्तम भाव में, तो ये समझ लो कि आपका ससुर, आपका फादर इन लॉ, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये हमेशा आप इस बात को आजमा करके देखिए, अगर आपकी कुंडली में इस तरह से है तो आपको मैं कहता हूं 100% ये प्रभाव मिलेगा। हाँ, जिसकी शादी होने जा रही है तो वह अपनी कुंडली का आवर्तन कर लो। अगर आपका यहां पर एकादश भाव का स्वामी सूर्य या चंद्रमा में से है, मैं उसका प्रभाव बता रहा हूं। एक और बात बता दूं, यहीं पर मजाक की बात नहीं है, जब यहां पर चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा जब होता है तो जब शादी हो जाती है तो पुरुष के घर वाले कुटुंब वाले
ये कहते हैं अब जब से शादी हुई है हमारा बेटा तो बहू के ही बस में हो गया, पता नहीं क्या जादू टोना करा दिया, कुछ करा दिया, एक आम भावनाएं होती है। परंतु नहीं, वो चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा के प्रभाव से जीवन साथी जैसा कहेगा वह करेगा और उसको अच्छा सुख मिलता है और जीवन साथी की तरफ से उसका अच्छा व्यवसाय चलता है, अच्छा सहयोग मिलता है जीवन साथी का और धन की कोई कमी नहीं रहती। ये दो लोग हैं, एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा यहां पर हो या सूर्य आपके में, सूर्य यहां पर हो, एकादश भाव का स्वामी कोई भी यहां पर हो, अगर सूर्य चंद्रमा है तो सास ससुर में प्यार की बात करेगा, प्यार का जैसा मैंने बताया सास ज्यादा करेगी या ससुर, और दूसरा हो तो एक साधन तौर पर धनी तो बनाएगा ही। तो ये दोनों लोग लग्नेश धनेश का स्थान परिवर्तन, लग्नेश और द्वितीय भाव का आपस में स्थान परिवर्तन और आयस आमदनी के भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो। विचार करते हैं उच्च प्रतिष्ठित धनवान एवं सम्मान की प्राप्ति। जातक का जन्म 2 अक्टूबर 1974 कृष्ण पक्ष एक रेवती चरण दो में हुआ, बुधवार था। रेवती चरण दो अपने आप में मंत्री के समान है, जब मंत्रियों को सम्मान है तो रेवती चरण दो अपने आप में मंत्रियों के समान है, इसको मूल लक्षण तो माना गया है लेकिन चरण दो मंत्री के समान है। रेवती चरण जिसका होता है वह जातक बहुत ही प्रगति करते हैं, नक्षत्र का प्रभाव भी उसको मिलता है, स्वामी भी बुध है और बुधवार को ही पैदा हुआ, एक संयोग वश की बात है और ये योग भी अच्छे ध्रुव योग में पैदा हुआ है ये बालक। कमियां थोड़ी बहुत होती हैं, उनको उपाय करके संवारा जा सकता है, भाग्य को ग्रह को बदलना बड़ा मुश्किल है, जादू की छड़ी नहीं है। अगर मकान की दीवारें अच्छी हैं तो हम प्लास्टर कलर लगा करके उसको अति सुंदर बना सकते हैं, वही तरीका इन ग्रहों का है मेरे दर्शकों। जातक का जन्म 2 अक्टूबर 1974 बुधवार को हुआ, जन्म के समय पर कन्या लग्न हुआ, कन्या लग्न के 12 डिग्री विराजमान है और लगन में मंगल 19 डिग्री लेकर के अस्त है, वहीं पर शुक्र नीच राशि में 12 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य 14 डिग्री 54 लेकर के विराजमान है, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में बुध लग्नेश तुला राशि में है, मित्र राशि में, यहां पर राशि परिवर्तन योग दोनों का हो रहा है। तृतीय भाव में राहु वृश्चिक राशि में 19 डिग्री लेकर सप्तम छठे भाव में गुरु कुंभ राशि में 16 डिग्री 11 मिनट लेकर के विराजमान है और सप्तम भाव में चंद्रमा मीन राशि में 11 डिग्री 20 लेकर के विराजमान है। नौ भाव में केतु 19 डिग्री और शनि 24 डिग्री लेकर दशम भाव में, शनि पंचमेश दशम भाव में है, यह भी एक राजयोग बन रहा है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों हम हमेशा बताते हैं कि जिस जातक का कन्या लगन में जन्म हुआ है उसके राशि स्वामी बुध देव हैं, वो तो जरूरी बात है कि बुध बुद्धि का कारक है तो उसमें कुछ बुद्धि के अंश जरूर भी होंगे, चाहे कैसा भी ग्रह योग बन जाए, परंतु थोड़ी सी कन्या राशि द्वेष राशि है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, एकदम सोलिड निर्णय लेने वाली नहीं है, ऐसे जातक दो अर्थी बात करते हैं, इनकी बातों के दो अर्थ निकलते हैं और इनको कोई भी आदत है कोई भी काम जल्दी में करने की है और इनके पहले विचारते नहीं और फिर देरी हो जाती है काम करने में। अगर प्लानिंग से विचार करें तो देरी नहीं होगी, बिना प्लान के ऐसे लोग काम करते हैं तो देरी हो जाती है। एक बात और भी है, ऐसे कन्या लगन वाले जातक चारपाई में पड़े हुए हवाई किले बनाते हैं, पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही चारपाई से उठी तो किले भी ढह जाते, कहने का मतलब उनकी योजनाएं बहुत बनती है, काल्पनिक बनती है, करूं या ना करूं वही बात रहेगी, थोड़ा सा अध्ययन की तरफ रुझान होता है, थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं भावुक भी हो सकते हैं, ग्रह के स्थान से कुछ फर्क पड़ सकता है। बुध द्वित्य भाव में है, लगन का स्वामी बुध द्वित्य भाव में, द्वित्य भाव धन भाव है और बुध लग्नेश है और मित्र राशि में है, साहसी होगा, राजा की भांति ऐश्वर्यशाली होगा, अच्छे कार्यों में उसकी रुचि होगी और परिवार और धन का उसका पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसे जातक को पूरा सहयोग मिलेगा। आगे बात करते हैं सूर्य की, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी लगन में है तो जरूरी बात है नित्य रोगी बनाएगा, कार्य थोड़ा सा आलसी भी होगा, बिना विचारे काम बिना विचारे धन को खर्च करता है और दूर देश में भी हो सकता है, हमेशा स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है और
यह स्थिति तो खुली रहेगी। तो ऐसा तो है नहीं अब भाई जो अमीर आदमी धनवाद पिछले आदमी बीमार नहीं होगा, ये तो साथ में लगी हुई बातें रहती हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो इस कुंडली में चार चांद लगा रहा है। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, आय के अच्छे साधन बनेंगे तथा ससुराल से भरपूर सहायता मिलेगी। सास का विशेष प्यार होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सास का विशेष प्यार होगा, नहीं है तो आप अजमा के देख लो अपनी कुंडली में। ऐश्वर्यशाली होगा, लंबी आयु भोगेगा, लंबी आयु भोगने वाला पराक्रमी और तेजस्वी भी होगा। अपने जीवन में सभी सुखों का वो भोग करेगा, उसकी स्त्री भी बड़ी सुंदर होगी, व्यवसाय में सफलता मिलती है और उत्तम सुखी जन जातक सुखी उत्तम प्रकार का धनी यशस्वी और लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया यहां पर चंद्रमा है तो घर वाले क्या सोचेंगे शादी होने के बाद कि हमारी तो सुनता ही नहीं, पत्नी के बस में है, कोई जादू टोना नहीं है, वो ग्रह का प्रभाव है। वो जातक स्त्री को इज्जत देगा, उसका कहा मानेगा, उसकी सुनेगा। आप इस बात से आप समझो और वो कितना भाग्यशाली है, वो स्त्री भी कितनी भाग्यशाली होगी, सुंदर भी होगी, जो उसका पति उसको इज्जत दे रहा है वो घर बड़ा सुंदर हो जाता है। और जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है, क्योंकि स्त्री ग्रह लक्ष्मी है, आप ये अंदाजा लगा के देख लो, हमेशा जो बड़े आदमी बड़े धनी हैं वो अगर जिसमें घर में स्त्री का सुख अच्छा है, जिसने स्त्री को ग्रह लक्ष्मी सोचा है, तो वो चांद पर चले गए हैं, मतलब उनकी शिखा दूर तक पहुंचाती है। और कुछ ऐसे होंगे गिने चुने ऐसे हो सकते हैं और जिनकी स्त्री नहीं है धनी हो, वो टिप फिंगर टिप पर होंगे, उनकी तो गिनती में नहीं आती परसेंटेज में। अब बात करते हैं दासु मंगल की। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी और लगन में है, अस्त तो है, प्रभाव थोड़ा बहुत देगा, 5 डिग्री का फर्क है, थोड़ा बहुत देगा प्रभाव। स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी तो रहेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख उसको मिलेगा और घरेलू सुखों में कमी होगी, क्योंकि थोड़ा सा शत्रु राशि में है लेकिन अष्टमेश भी है, इसके कारण थोड़ी सी सुखों में कमी होगी। मंगल चतुर्दशी से त्रुटिपूर्ण से अपने चतुर्थ भाव को देख रहा, मित्र राशि को देखेगा, सुख देगा लेकिन अष्टमेश में है तो थोड़ी सी वो त्रुटि भी देगा। मंगल सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, घरेलू सुखों में स्त्री के व्यवसाय पक्ष में थोड़ी सी कठिनाई के साथ उसको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि अष्टमेश होने के नाते थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, परिश्रम कराएगा और कोई बात नहीं। मंगल अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, थोड़ी सी आ सकती है, अधिक नहीं, वैसे अस्त है, थोड़ा बहुत मामूली सा ऐसा प्रभाव देगा। अब बात करते हैं गुरु की। दस को गुरु धन का कारक ग्रह है, कुंडली में 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है और दोष भंग नहीं हो रहा है, तो जातक को परेशानी आई, बाद में मैं बताऊंगा, पहले ग्रहों का बता दे। तो यहां पर गुरु जो है प्रबल केंद्राधिपति दोषी हो जाता है, परेशानी आई, शत्रु पक्ष में नम्रता से काम निकालता है और पंचम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में पिता के पक्ष में अच्छा सम्मान कारक बन रहा है और गुरु पंचमेश को देख रहा है। यह भी बात देखिए, और गुरु पंचमेश को देख रहा है, संतान भी अच्छी होगी, क्यों पंचमेश पर गुरु का प्रभाव है, शिक्षा बुद्धि अच्छा होगा और रुचि अधिक, बाहरी संबंधों से अधिक होगा, खर्चा तो होगा लेकिन अधिक होगा। और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, द्वितीय भाव का कारक है ग्रह और वहां पर बुध बैठा हुआ है, बुध लग्नेश है। इस कुंडली में दर्श को देखिए, हर आदमी को इतनी चीजें नहीं मिलती, जो गुरु संतान का दाता है, गुरु धन का दाता है, सम्मान का कारक है, छठे भाव में रोग शत्रुओं को रोक कहना, मीठा खाने का शौकीन होगा वो एक अलग बात है, लेकिन गुरु की दृष्टि यहां पर पंचमेश के ऊपर है, दशम भाव पर है, दशम भाव को भी उन्नति दे रहा है, व्यवसाय में भी उन्नति दे रहा है और पंचमेश संतान को भी अच्छा दे रहा है, क्यों पंचमेश देख रहा। दूसरी तरफ
गुरु लग्नेश को भी देख रहा है और धन भाव में देख रहा है, तो धनी तो बनेगा ही, सम्मान तो मिलेगा ही, लेकिन त्रुटि थी, कम मिलना शुरू हुआ, वो अंत में बताऊंगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र धन भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, अस्त है और नीच राशि में है। दर्शकों, शुक्र का नीच भंग हो रहा है कि शुक्र नवास कुंडली का जब अध्ययन करते हैं तो शनि के नवास में है और उसका नवास पति केंद्र में है, नीच भंग हो रहा है। और दूसरा, इसके साथ साथ शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग है जो कि उच्च प्रतिष्ठित धनवान और सम्मान बनने में सहायक हो रहा है, सहायक हो रहा है। नीच भंग छोड़ दो, नीच भंग तो हो रहा है लेकिन अस्त है। अस्त का उपाय जो किया, जब हम बताएंगे अज्ञात को कब से इसको प्रभाव मिलना शुरू किया। अब बात करते हैं शनि की। शनि पंचमेश है, छठे भाव का स्वामी भी है और दशम भाव में है। पंचमेश जब दशम भाव में होता है तो सम्मान अपने आप मिल जाता है। व्यवसाय में पिता का सहयोग, संतान और विद्या का अच्छा सुख मिलता है और रुचि होती है अधिक। शनि तीर्थ दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। देखो भाई, वो तो आदत है, ग्रहों का अपना प्रभाव देगा। खर्च का भाव है शत्रु राशि में तो खर्च अधिक कराएगा, वो एक अलग चीज है। अब भाई खर्च तो अधिक होगा। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है क्योंकि पंचमेश है, यहां पर भी अच्छा ही देगा क्योंकि लग्नेश पंचमेश और नवमेश यही तो तीन है, देगा थोड़ी त्रुटिपूर्ण जैसे क्यों छठे भाव का होने से, लेकिन अच्छा है, उसको गुरु देख रहा है। अब दशम दृष्टि से हम बात करते हैं तो शनि यहां पर देख रहा है, स्त्री के पक्ष में देख रहा है शनि। थोड़ा बहुत कभी मैं तू तू मैं वाली बात हो गई, बलवान चंद्रमा बैठा है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष एक ही हुआ है, वो भी ढंग से नहीं हुआ, तो चंद्रमा बलवान है, पक्ष बली है और एकादश भाव का स्वामी है और ग्रहों की पंचांग में चंद्रमा शनि से बलवान होता है। अगर चंद्रमा बलवान और शुभ स्थिति में हो तो बाकी सब उनको छोड़ देता है, चंद्रमा बलवान है तो शनि का यह प्रभाव रहा। राहु की बात करते हैं, राहु तीर्थ भाव में है, पराक्रम की वृद्धि होगी, भाई बहन के सुख में थोड़ा संतोष होगा, संकट में भी जातक ऐसा घबराता नहीं है, धीरे नहीं खोता, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। पंचम दृष्टि यहां पर आती है तो पत्नी में स्वास्थ्य में कमजोर आ जाता है, कुछ नहीं आएगा, ग्रहों की चाल है, चंद्रमा बैठा है इसलिए कुछ नहीं आएगा, बलवान चंद्रमा बैठा है। लेकिन अगर किसी का नहीं है, यहां पर कोई बलवान ग्रह नहीं है, तो रोगी बना सकता है, भाग्य की उन्नति करेगा। नवम दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव आमदनी में देगा, लेकिन ये केंद्र में आने से वो मेटलाइज हो जाता है, वो समझौता हो जाता है, इतना कुछ नुकसान नहीं होता। और भाई थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, जब आ रहा है तो थोड़ा बहुत होगा, जब आएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे। बात करें कि तू भाग्य में है, थोड़ी सी परेशानी की बात होगा, धर्म के क्षेत्र में कुछ कमी रहेगा। पंचम दृष्टि नव भाव को देखा, गर्माहट होगी, भाई बहन के भाव को देखा, भाई बहन होगी। और नव दृष्टि से यहां पर संतान सुख में दिया, थोड़ी बहुत ऐसी छुटपुट की परेशानियां, ये तो संघर्ष लगा रहता है। नव ग्रह है, अगर दो तीन भी आपके दो ग्रह, दो तीन ग्रह अच्छे दे रहे हैं, या लग्नेश अच्छा दे रहा है और पंचमेश अच्छा दे रहा, भाग्यश थोड़ा सा दिक्कत है, बुध है यानी अस्त है, तो फिर कुंडली संवर जाती है। दर्शकों, इस जातक ने शुक्र की महादशा 14/10/92 से 14/10/2012 तक थी, विश्व ज्योतिष से 2007 में संपर्क किया, क्योंकि शुक्र की जब दशा अच्छी दशा थी, तारा पद्धति में छेम दशा है शुक्र की और शुक्र अस्त है और शुक्र भाग्येश है, तब जातक को यह हुआ अख मेरी भाग्येश की दशा है और दित्य भाव के स्वामी की दशा है और तारा पद्धति में छेम दशा है, छेम मतलब कुशल, अच्छा रहेंगे तो फिर प्रभाव क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सूर्य तो विकल हमें आ गया, अस्त हो गया, प्रभावहीन हो गया, तो कैसे देगा। दूसरा, सूर्य की दशा, उसके बाद जातक ने 2007 में संपर्क किया, जातक ने दोष निवारण किया, नारायण बलि श्राद्ध किया और हमने उसको शुक्र का रत्न पहनाया और बताया कि भाई सूर्य को आप जल दो। दस को जैसा कि आप देखते हो, आज अगर आप
आम का पेड़ लगाते हो तो तुरंत तो फल नहीं मिलता, अगर आपने उसको ठीक ढंग से सींचा है, ठीक ढंग से उस पेड़ की परवरिश की है, तो जब वो बढ़ेगा दो चार साल के बाद तो जरूर आपको फल देगा। ज्योतिष में भी यही है, जातक ने उपाय किया लेकिन वो उपाय जब उसको अनुकूल दशा आएगी तब चांद पर ले जाएगा, कामयाबी मिली, हमने उसका पितृदोष निवारण किया। शुक्र का रत्न भाग्य से, शुक्र भाग्य का स्वामी साथ नहीं दे रहा तो कैसे होगा, भाग्य का रत्न धारण किया और सूर्य का उसने विधिवत अर्घ दिया, अच्छी श्रद्धा से दिया, काम उसने किया, हमने तो केवल मार्गदर्शन किया। जब सूर्य की दशा आई तो पृथ्वी की दशा थी, तो सारी दशाएं खराब नहीं होती है, उसमें जब शुभ दशा भी आती है तो मिश्रित फल आ जाता है। परंतु चंद्रमा की दशा 14-10-18 से अभी चालू है और 18 से 19-20 में उसका एकदम पासा पलट हो गया और वारे के नारे हो गए, अब प्रतिष्ठा धनवान और सम्मान की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि उसने दोष निवारण पहले ही कर लिया। दोष निवारण से गुरु जो केंद्र दत्ति दोषी था उसने भी अपना फल देना शुरू कर दिया। जब तक दोष निवारण नहीं करेंगे, या तो गुरु का केंद्राधिपति दोष भंग हो या दोष निवारण करें, तभी गुरु फल देगा। गुरु को सबसे अधिक केंद्राधिपति दोषी लगता है, उसने जो उपाय किया भगवान ने उसको फल दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल मार्गदर्शन किया। तो दर्शकों किस तरह से होता है, लग्नेश धनेश का स्थान परिवर्तन लोग उसको कामयाब दे गया, आय सप्तम भाव में है लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था, उसको कामयाबी मिल गई, हमने सिर्फ भाग्य का रतन उसको पहनाने के लिए कहा। भाग्य का रतन आप धारण कीजिए और सूर्य को जल दीजिए। और शुक्र अस्त है, आप भी सुन लो दर्शकों, आपका अगर शुक्र पीड़ित है, शुक्र अस्त है, शुक्र किसी भी ग्रह से पीड़ित है, अशुभ स्थान पर है, अपने दिमाग में एक निश्चय कर लो, आपने स्त्री जाति का सम्मान करना है, चाहे वो आपकी ही पत्नी क्यों ना होने दो और जो कोई भी हो, और शुक्र फल देने शुरू कर देगा, आपके उतने ही कार्य से फल देने करेगा। पूजा करना तो दूर रहा, पहले कारत्व कर्म भी साथ साथ कर लो तो अवश्य फल मिलेगा, शुक्र अवश्य देता है, और अपने जो अनुकूल है वो उपाय कर लो। दर्शकों मैंने आज इस होनहार पुरुष को जब 2007 में मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, जब उनको कामयाबी मिलती है, हमको जब फोन करते हैं गुरु जी हमको बहुत अच्छा हो गया, तसल्ली होती है, तो यही एक फल मिलता है। जो शुभ काम आप करेंगे तो उसका ज्योतिष में ग्रहों की दशा अंतर दशाएं आती है तभी मिलेगा। आप सोचो कि आज आपने पूजा की रन किया और फिर 3 महीने के बाद सोचो कुछ फायदा नहीं मिला, अरे भाई दशा अंतर दशा वो भी तो अपना प्रभाव डालेगी, आने दो, अनुकूल उपाय आप करते रहिए, जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान वचनबद्ध है, आपके कर्म का फल जरूर देंगे। आपने शुभ कर्म किया है, उनको श्रद्धा से याद किया है, तथास्तु अवश्य कहेंगे, ये मेरा अपना अनुभव है। दर्शकों मैंने आज इस पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया, जो दोस्त है उनके बारे में बताया और जो उपाय किया उसका फल मिला। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसको भी कोई ऐसी आज प्रॉब्लम है आप लिख दीजिए कमेंट्स में, अपनी जन्म की डिटेल लिख दीजिए, मैं आपका उसी के लेकर के उसी से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों मैं हमेशा कहता हूं आप जुड़ जाइए ऋषि ज्योतिष से, आपकी जो छोड़ दीजिए आपकी प्रॉब्लम, दूर मैं नहीं कर सकता, मैं मार्गदर्शन आपका जरूर कर सकता हूं, दूर तो आपको खुद करना पड़ेगा, अपनी श्रद्धा से काम करके दूर करना पड़ेगा। कोई भी पंडित जी हो, जब मैं हो या कोई आचार्य हो, कोई जादू की छड़ी नहीं लेके बैठा हुआ है, सिर्फ मार्गदर्शन, अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए और आप श्रद्धा से काम कर ले तो आपका झंडा ऊपर होगा, पताका फहराएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, माता लक्ष्मी आपके घर वारे के नारे करेगी, जहां रुकावट है उसका जरूरी मैं कहूंगा ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर यहां प्रकार सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है, ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक संपर्क कर सकता है, पूरा निचोड़ दिया जाता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान वर्कशॉप करके आपका मार्गदर्शन करता है, जुड़ कर संपर्क करने की। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दर्शकों आप उसमें कुछ लिखिए, कुछ कैसा लगता है वैसा लिखिए, वो आपका कॉमेंट्स मेरे को मार्गदर्शन करने में सहायक होगा और मेरा मनोबल ऊंचा होगा। मेरा चैनल को आप लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है, और अपनी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। अंत में कहूंगा अच्छा लगा है शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार आपसे अच्छे प्रफुल्लित होकर के वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।